तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इन दोनों को इंस्टॉल करेंगे। सो गाइस, ये ये देखो, क्या है? ये हमारा सोनी एक्सप्लोर 1800 वाट का सबवूफर। एंड गाइस, इसके साथ मैंने लगाया पोर्टेड एनक्लोजर, जिसकी मैं आपको हल्की हल्की मेजरिंग बता देता हूँ। गाइस, यहाँ से यहाँ तक है ये ऑलमोस्ट 21 इंचीज तक। एंड गाइस, इसकी डेप्थ है गाइस 14 इंचीज। एंड गाइस, और क्या रह गया? एंड गाइस, अगर ऐसे में देखा जाए सो गाइस, ये सबवूफर के हिसाब से होता है। लेकिन गाइस, अगर देखा जाए सबवूफर 13 इंच का हो जाता है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप जाए। सो गाइस, यहाँ तक ओवरऑल 13 हो गया। एंड गाइस, इसके अंदर देखिए एक चीज़ लगी है गाइस, बड़ी सही चीज़ है गाइस ये भी। एंड गाइस, उसके साथ हम लगाने वाले हैं ये है गाइस हमारा एम्पलीफायर। सो गाइस देखिए, अल्पाइन 2 चैनल पावर एम्पलीफायर V12, ये वगैरह वगैरह लिखा हुआ है गाइस। यहाँ पर है इसके आउटपुट, यहाँ पर इसका पावर इनपुट, यहाँ पर इसके RCA वगैरह का है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सो गाइस, अब मैं आपको पहले इस साइज से बता देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे जहाँ पे 12+12 वॉट लिखा है गाइस, यहाँ पे जाएगी हमारी 8 गेज की वायरिंग। सो गाइस, उसी में हमारी आती है ये वाली। सो गाइस, मेरे पास रेड कलर है, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं गाइस। एंड गाइस, हाँ, यहाँ पे एक फ्यूज़ भी लगाना ज़रूरी होता है गाइस। सो गाइस, चलो मैं आपको बाकी वायरिंग करता हूँ पहले। सो गाइस, ये आपकी लगेगी यहाँ पे, जो गाइस ये REM है। सो गाइस, ये तब होती है जहाँ जब इग्निशन ऑन करने पे यहाँ पे करंट आता है। लेकिन गाइस, मैं इसे परमानेंट नहीं लगाता, तो मैं इसे यूज़ नहीं करता, तो मैं इसे डायरेक्ट 12 वोल्ट के साथ ही देता हूँ। तो गाइस, ये तक तो ये होगी। एंड गाइस, यहाँ पे GND लिखा है, यहाँ पे आएगा आपका ग्राउंड, मतलब अर्थिंग माइनस जो मर्जी। फिर कैसे आता है यहाँ पे हमारा चैनल 1 और चैनल 2। सो गाइस, हमने चैनल 2 की माइनस लेनी है और चैनल 1 का प्लस लेना है। सो गाइस, इससे हमारा बन जाता है ब्रिज्ड। सो गाइस, ये देखिए नीचे लिखा हुआ ब्रिज्ड। सो गाइस, इससे क्या होगा, सबवूफर को दोनों चैनल की पावर मिलेगी और ये अच्छी तरह से फुल बेस देगा। एंड गाइस, ये काफ़ी हैवी एम्प है, आप देख सकते हैं इसकी हीट सिंक वगैरह भी। एंड गाइस, अंदर से भी काफ़ी हैवी एम्प है, मतलब टॉप क्वालिटी का है। एंड गाइस, ये इसका गेन एक टाइप की वॉल्यूम होगी गाइस, जैसे आपको क्या जाए। सो गाइस, अगर आपको स्टीरियो में फेड का ऑप्शन नहीं है तो गेन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर गाइस, ये लाइन इन आउट। सो गाइस, जो इन आउट होता है ना गाइस, ये सेम ही इस साइड है ये दोनों, और सेम इस साइड है। अगर आप क्रॉस में लगा दो, ऐसे ऐसे लगा दो तो गाइस एक चैनल हो गया, ऐसे ऐसे लगा दो फिर भी एक चैनल, ऐसे 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 जैसे मर्जी लगा दो गाइस, सो गाइस सेम होता है। फिर गाइस, हमारा LPF। सो गाइस, LPF होता है, मतलब आपको अगर साउंड भी चाहिए, आवाज़ चाहिए, मतलब वोकल चाहिए, क्लियरिटी नहीं आएगी गाइस इतनी, लेकिन गाइस इससे आ जाएगी। और ऑन होगा तो सिर्फ बेस आएगी गाइस, फ्रीक्वेंसी वही आ गई, कितनी हार्ड बेस चाहिए आपको गाइस, सुपर बेस। सो गाइस, इसको आप 6 पर रखा करो, क्योंकि गाइस इसमें क्या होता है, बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होती है। सो आप इसे 6 पर ही रख दिया करो, 0 पर बेस नहीं आती। सो गाइस, इसका तो ये हो गया। उसके बाद गाइस, मैं आपको इसकी भी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सो गाइस, ये हमारा सोनी का एक्सप्लोर 1800 वाट जो आता है डबल मैगनेट के साथ में। एंड गाइस, इसकी RMS लिखी होती है अबाउट 420 RMS, लेकिन गाइस ये 3350 तक आराम से चलता है गाइस। सो गाइस, इतना तो ये हो गया। एंड गाइस, देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्टर लगाया हुआ है और इसके साइड भी एक कनेक्टर लगाया हुआ है। सो गाइस, इसकी वायर काफ़ी लंबी है सबवूफर की, जो इसमें आगे से पीछे तक लग जाए। सो गाइस, अब मैं आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा दिखाता हूँ ऑटो के अंदर जाके, उधर ही लगा के आपको दिखाती है बाकी। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की ओर। सो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट क्लिप। सो गाइस, अब हम आ गए ऑटो के अंदर। सो गाइस, ये हमारा स्टीरियो गाइस, एक सेकंड। सो गाइस, ये स्टीरियो की मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बता दी थी, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक डाल दूंगा इसका। सो गाइस, इसके ना पीछे RCA के कनेक्शन होते हैं 4, जैसे हमारे एक सेकंड जिस जो हमारे इस एम्पलीफायर में है। सो गाइस, मैं एक सेकंड अभी आपको बताता हूँ बाकी। सो गाइस, इसमें जो ये 4 आपको दिख रहे हैं ना गाइस, ऐसे ही होते हैं सेम इसके बैक साइड पे। सो गाइस, उधर मैंने लगाई है एक RCA। सो गाइस, वो भी एक ब्लू कलर की RCA गाइस, ये देखो ये आ गई। सो गाइस, यहाँ से इसके नीचे चल जाती है और नीचे से डायरेक्ट ये यहाँ से निकलती है गाइस। एंड गाइस, इसकी लेंथ मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितनी है। सो गाइस, ये देखो इतनी है ना। सो गाइस, मैं अभी आपको दूर आके दिखाता हूँ इसकी कितनी है। सो गाइस, ये देखो। सो गाइस, अभी मतलब स्टीरियो से भी आ रही है, लेकिन गाइस फिर भी इतनी लंबी है कि अगर आप सेकंड कार में अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। सो गाइस, चलो ये भी हमारा हो गया। एंड गाइस, उसके बाद अब क्या करते हैं, हम एम्पलीफायर को इधर रखते हैं। और चलो गाइस, एम्पलीफायर को रखने से पहले मैं आपको इसकी एक वायर लगा देता हूँ। सो गाइस, कहाँ गई? सो गाइस, जो 8 गेज वाली वायरिंग है हमारी, तो ये है गाइस, टूट गई। चलो कोई बात नहीं। सो गाइस, देखो
मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ जो गाइस ये REM वाली है, और जो हमारी है ये वाली। सो गाइस हम मैं इसे इकट्ठे लगा देता हूँ तो आपको अभी दिखाती है। सो गाइस देखो कहाँ गई यार, ये रही गाइस। सो गाइस ये और REM। सो गाइस मैं इन दोनों को इकट्ठे माउंट करता हूँ। सो गाइस मैं इसे इकट्ठे ही माउंट करता हूँ, आप देखो थोड़ा सा आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। सो गाइस एम्पलीफायर अगर दिखने में ऐसा लग रहा है आपको, कंडीशन सही नहीं लग रही, लेकिन गाइस इसकी साउंड क्वालिटी गाइस मुझे बहुत अच्छी, मुझे क्या गाइस आपको भी अच्छी लगेगी, मैं आपको भी आगे आगे बताऊंगा। तो मैं इसे भी गाइस ग्राउंड वाली को भी थोड़ा टाइट कर देता हूँ। सो गाइस देखो हमारा इधर तक हो चुका है गाइस ये वाला स्टेप। एंड गाइस अब देखो हमारी ये जो लग गई है, सो गाइस अब मैं आपको आगे आपको दिखा देता हूँ यहाँ से आके। तो ये देखो ये एम्पलीफायर को हम इधर रखते हैं गाइस, इसकी वायर कहाँ दिख रही है। सो गाइस ये देखो मैं इसके RC वाले पॉइंट उस साइड कर देता हूँ गाइस। ये देखो गाइस यहाँ से ये आ गया। सो गाइस यहाँ पे अभी प्लेसिंग की जगह है नहीं, तो मैं आपको वैसे टेम्परेरी अभी रख के दिखाता हूँ, नहीं तो मैं इसे बाद में फिट कर ही लेता हूँ कभी कभी। तो गाइस पहले नेगेटिव का कर देते हैं कहीं पर। सो गाइस नेगेटिव के लिए मैं आप देखता हूँ कहाँ पर लगाऊँगा मैं, क्योंकि गाइस इसमें जगह है तो है लेकिन नेगेटिव के लिए अर्थिंग चाहिए होती है। सो गाइस मैं इसे बैटरी के टर्मिनल में ही फंसाने की कोशिश करता हूँ नेगेटिव को। तो गाइस यहाँ पे कोई नट नहीं है गाइस मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ गाइस एक बार इसे लगाने की। एंड गाइस सो गाइस आई होप कि यहीं पे कहीं पे अड़ के थोड़ा सा मेरा काम तो चला दे, चल जाए तो बढ़िया बात है गाइस। सो गाइस देखते हैं चलो, लेट्स सी नेक्स्ट। सो गाइस लगता तो नहीं ऐसे लगेगा, लेकिन गाइस शायद लग जाए। एंड गाइस अभी से यहाँ पे रख के देखते हैं। तो गाइस नहीं हमारा ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि गाइस ये देखो उतरी गई। तो गाइस मैं इसे इसी साइड कर देता हूँ। सो गाइस एक तो यहाँ पे रखने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, तो गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ऐसे करने में। एंड गाइस मैं काम करता हूँ, इसे यहाँ पे फंसा देता हूँ, कुछ होने तो वाला नहीं है ज़्यादा। सो गाइस यहाँ पे ठीक है ये। एंड चलो इसे नेगेटिव पर लगाते हैं यहाँ पे। सो गाइस स्पार्क आ गया, मतलब कि इसमें पावर तो आ गई। एंड गाइस अब क्या करना है, पहले RCA लगाते हैं। तो RCA गाइस मैं लेकर आता हूँ यहाँ से। सो इसके पीछे से सो गाइस फाइनली हमारी RCA भी पहुँच चुकी है यहाँ तक। सो गाइस मैंने जैसे आपको बताया था मैं क्रॉस में लगा रहा हूँ, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा इससे। सो गाइस नीचे कुछ है, मैं पहले वो निकाल के ना इसे अच्छी तरह से अंदर डालता हूँ। सो गाइस देखो एम्पलीफायर हमारा अंदर सेट हो गया, बैटरी का लेवल भी आ गया। सो गाइस अब मैं पॉजिटिव वाली वायर भी लगा लेता हूँ। एंड गाइस पॉजिटिव से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सबवूफर की वायर को कहाँ से लिया है। सो गाइस ये देखो, सो गाइस ये हमारा सबवूफर। सो गाइस पीछे देखो इतनी ज़्यादा बूट स्पेस में आ जाता है गाइस, मतलब ऑलमोस्ट 80% तो गाइस घेर ही लेता है यहाँ पे, इतनी यहाँ पे गाइस फ्रीडो भी लगा हुआ है। लेकिन गाइस अब देखो, सो गाइस मैंने जैसे कि आपको बताया था ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसे आगे तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। सो मैं इसे आगे तक लेके जाता हूँ। सो गाइस देखो यहाँ से मैंने आगे कर दिए, अब मैं यहाँ से भी आगे कर लेता हूँ। एंड गाइस मैंने आप जैसे भी बताया ही था कि मैं परमानेंट नहीं लगा रहा, तो मैं इसे यहाँ से लगा के सो गाइस यहाँ से नीचे नीचे से निकाल के इसे एम्पलीफायर पे कनेक्ट कर देते हैं। सो गाइस इस सामान को पीछे रखो। सो गाइस ये देखो ये लग गया गाइस। सो गाइस यहाँ तक हमारा स्टेप जो है कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव लगानी है। सो गाइस पॉजिटिव लगाने से पहले ना मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ चल रहा है कि नहीं, तो फिर से कर लेंगे वायरिंग गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस की सेटिंग में स्टीरियो के भी चेंज कर रहा हूँ इस टाइम, तो मैं आपको नहीं दिखा रहा। सो गाइस चल चुका है, मैं आपको अभी से सब कुछ पैक करके उसके बाद दिखाता हूँ गाइस क्या सेटअप रहने वाला है। तो चलो गाइस जब मैं इसे सब कुछ पैक करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह से। सो गाइस देखो अब मैंने यहाँ पर इसे रख दिया, फिर इसे मैंने इसी साइड सेट कर दिया। सो गाइस देखो यहाँ से वायर आ गई। एंड गाइस देखो पीछे हमारा ये रहा सबवूफर। एंड
गाइस इधर इतना हो चुका है। एंड गाइस फिर देखो इधर बैटरी पे मैंने पॉजिटिव लगा दी थी। सो गाइस अब देखो साउंड पॉज से गाइस देखो कुछ ये सेटिंग है। तो गाइस 26 वॉल्यूम भी बहुत है मेरे हिसाब से। चलो बढ़ाते हैं, चलो 26 पे रखते हैं। तो गाइस ORVM भी वाइब्रेट हो रहा है। तो गाइस देखो अब मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। तो गाइस पीछे कुछ ये है हमारा। तो गाइस अभी फ्रीडो बंद पड़ा है लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस पंच बहुत ज़्यादा है गाइस, मतलब वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। आपको फ्रीडो भी लगा के देखते हैं अगर मस्त आया। तो गाइस फ्रीडो लगा के मुझे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। तो गाइस अब देखो मतलब इतना आप देख सकते हो कितनी बेस हो रही है। यहाँ पर गाइस बाकी नॉइज़ को यार इग्नोर करना। तो गाइस ये देखो इधर तक ये आ गया। तो गाइस मैं आपको और कोई गाना, तो गाइस मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, इसमें और कोई गाने हैं नहीं ज़्यादा। तो गाइस उससे इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं आई तो मैं आपको इसी से चला के दिखाता हूँ। गाइस ये देखो पॉज है। सो गाइस मैंने स्टार्ट कर लिया ताकि बैटरी का कोई इशू ना हो एंड बेस अच्छी आए। अब मैं 30 तक चला गया हूँ। तो गाइस आप मिरर पर देख सकते हैं पूरा वाइब्रेट हो रहा है गाइस। तो गाइस और यहाँ पे देखो गाइस बैटरी का सही कनेक्शन है। एंड गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे की साइड चल के। तो गाइस पीछे की साइड आप देखो तो अगर आप लाइट भी देखो क्या मस्त लग रही है ना। तो गाइस पंच बहुत ज़्यादा है, मतलब बेस आपको दिखाता हूँ जरा एक बार माइक से रिकॉर्ड करके। तो गाइस डिस्ट्रॉयशन होएगी तो इग्नोर करना तो गाइस, क्योंकि गाइस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये माइक इतनी बेस पर करता नहीं है। तो गाइस मतलब मैं आपको सीधा अगर बताऊँ तो सबू पर हमारी कोई नहीं कर रहा डिस्ट्रॉयशन, तो जितनी भी है हमारी तो इसी की नॉइज़ आ रही है। तो गाइस देखो तो गाइस और कोई गाना, तो गाइस इसमें सारे ही पंजाबी गाने भरे हुए हैं तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो देखो नेक्स्ट ये चला लेते हैं गाइस। तो गाइस स्किप कर लेते हैं आगे आगे एंड अब देखते हैं कौन सा। चलो गाइस ये चला लेते हैं आगे हो जाते हैं। तो गाइस मिरर देखो, तो गाइस कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हो रहा है मिरर वाइब्रेट होता। तो गाइस मैं आपको दोबारा पीछे दिखाता हूँ। तो गाइस वो रहा हमारा स्टीरियो। तो गाइस स्पीडो भी लगाते हैं, चलो देखते हैं। तो गाइस स्पीडो से क्या होता है और ज़्यादा हार्ड हो रही है गाइस बेस। तो गाइस परमानेंट में से लगा देता हूँ अभी के लिए। तो गाइस मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो गाइस स्पीड भी चल चुका है गाइस, ये वाला पैनल इसका बहुत पतला है गाइस, मैं रुकी है तो ये भी वाइब्रेट होता है। तो गाइस आपके सेट दिखाता हूँ मैंने कितनी की रखा रखी है। सो ये देखो गाइस 28 थी वॉल्यूम। तो और भी गाने आपको टेस्ट कराते हैं गाइस। सो गाइस आज टेस्टिंग भरपूर होगी और गाइस शॉर्ट्स रील्स सब आएंगे। सो गाइस चलो, सो गाइस ये सो गाइस अब 30 पे रखते हैं वॉल्यूम और देखते हैं कि कितना कुछ होता है। सो गाइस इसे आगे कर लेते हैं गाने को, क्योंकि हमें इतना भी आपका टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो गाइस अब देखो, तो गाइस लाइट देखो कितनी ब्राइट कर दी है ना, मतलब ऊपर तो ये देखो ऊपर कैसी रिफ्लेक्शन कर दी गाइस। एंड गाइस जो वाइब्रेशन है ना गाइस, मतलब यहाँ खड़े का छाती वाइब्रेट हो रही है गाइस, बेस का मतलब इतना है। एंड गाइस मिरर
गाइस कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, लेकिन मेरे भी वाइब्रेट हो रहा है। तो गाइस हॉर्न, गाइस हॉर्न भी इतना नहीं हो रहा है वाइब्रेट। एंड गाइस देखो ये रहा एम्पलीफायर। तो गाइस इतना हीट नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी तक बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी नहीं गाइस लेकिन हो चुका है। तो गाइस मैंने इसके ऊपर जब फ़ैन लगाया था, उसकी वीडियो दिखाऊंगा, डाल दूंगा इसमें, तो आप देख लेना। तो गाइस वो हटा दिया मैंने क्योंकि वो ख़राब हो गया था। तो गाइस लेकिन उससे फ़र्क ज़रूर पड़ा था, ये नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा था। एंड गाइस मैं आपको इसमें साइड से दिखा देता हूँ, ये हमारा स्टूडियो है ना, तो और भी अभी चलती है गाइस। तो गाइस अब ये भी गाना आपको टेस्ट कराया था। तो गाइस गाने आपको भर के टेस्ट कराएंगे, लेकिन NCS नहीं करा पाऊंगा गाइस। तो गाइस मुझे बस कॉपीराइट का डर है गाइस। तो गाइस ये ट्विटर, वो एक स्पीकर। तो गाइस ये देखो यहाँ पे फ्रीडो, अगर थोड़ी दूर से रिकॉर्ड कर देती है। तो गाइस देखो, तो गाइस बस यार कॉपीराइट ना आ जाए। सो गाइस अभी कर देते हैं इसे ऑफ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। सो गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड गाइस सब्सक्राइब करके जाना। सो गाइस हम बहुत करीब है 400 सब्सक्राइबर के। एंड गाइस ऐसे ही मैं आपके लिए मोटिवेशन की वीडियो लाता रहूँगा, सो मुझे सपोर्ट करना गाइस। तो ओके बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय।